हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओप्पो का K10 के बारे में। और बेसिकली हम लोग ओप्पो का K10 के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के बारे में। अगर आपका कोई भी कंपनी का मोबाइल हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर रहा है या तो टोटली काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है ऐसा नॉर्मल कोई मतलब खोल नहीं सकता या तो बना नहीं सकता। अगर नॉर्मली दूसरा कुछ फिंगरप्रिंट है तो वो तो कोई भी बना देगा, क्योंकि वो जो कनेक्शन है साइड में रहता है या तो सामने में रहता है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है डिस्प्ले के अंदर रहता है। तो मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा कि एक्चुअली में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है, और अगर आपका काम नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो पहले मैं बेसिक एक दो चीज़ बता दूंगा, उसके बाद जो है मैं इसको खोल के दिखाऊंगा एक्चुअली में क्या होता है। देखिए, अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, ऑप्शन मिसिंग है, ये तो दूसरा चीज़ है। अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब कभी कभार जो है काम कर जाता है, एक दो बार तीन बार प्रेस करने से काम करता है, अगर आपका ऐसा हो रहा है तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में जाओ और उसका जो फिंगरप्रिंट आपने ऐड किया था कुछ दिन पहले, उसको रिमूव करके नया ऐड कर लो। तब क्या होगा ना, आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है नया आपका फिंगरप्रिंट थंब के हिसाब से बन जाएगा और आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम नहीं करता है, आपको क्या करना है, मैं इधर आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और आपको टोटल डिटेल्स में बताऊँगा कि एक्चुअली में क्या होता है, और अगर आपका भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको आराम से ऐसे ठीक कर सकते हो। मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट ख़राब होता है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। मतलब नॉर्मली ख़राब नहीं होता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, तब भी अगर आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है काम नहीं कर रहा है, ख़राब हो चुका है, तो क्या करता है और कैसे काम करता है। एक्चुअली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एक ऐसा चीज़ है जिसको कि बहुत अच्छा लगता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, मतलब जनरल फिंगरप्रिंट से ज़्यादा जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इधर जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ये जो है उसका सेंसर है, आप लोग को मैं इसको खोल के भी दिखाऊंगा आराम से और आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट काम कैसे करता है। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्सली दिखाऊंगा। देखिए, ये जो है मैंने इसका सीसी बोर्ड निकाल लिया और इसका जो है सीसी बोर्ड निकाल लिया, मैं इसका डिस्प्ले भी निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या है। देखिए, ये जो है डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर जो है एक होल है जो कि डिस्प्ले के इधर तक दिखाई देता है। अगर आपको दिख रहा है, इधर देख सकते हो, छोटा सा होल के जैसा है, और ये जो है एक कैमरा के जैसा है। देखिए, ये जैसे कैमरा है और वैसा ही ये एक कैमरा है। जब आप थंब रखते हो ना, तो आपका फिंगरप्रिंट में जो रेखा है, जैसे माइक्रो कैमरा क्या काम करता है ना, आप छोटा छोटा डिटेल्स को परखता है, दिखाता है, वैसे जैसे आप इसके ऊपर थंब रखते हो, वो कैमरा जो है सेंस करता है कि हाँ एक्चुअली में आपका ये फिंगरप्रिंट है क्या नहीं। उसके बाद वो मदरबोर्ड को भेजता है, आपका सीपीयू के पास भेजता है कि हाँ ये जो है जिसका मोबाइल है इसी का ही फिंगरप्रिंट है, तभी जाके मोबाइल जो है अनलॉक हो जाता है। तो ये उसका कनेक्शन है, आप लोग देख सकते हो, ये जो है उसका कनेक्शन है। आपको पहले क्या करना है ना, इसको कनेक्शन को थोड़ा अच्छा से साफ कर लेना है। अगर आपका फिंगरप्रिंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, वाटर डैमेज हुआ था, तो इसको थोड़ा साफ कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, एक ब्रश लेना है, और ब्रश लेके आपको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कुछ दिन बाद आप लोग जानते हो कैमरा में जैसे धूल जम जाने के बाद कैमरा साफ नहीं आता है, वैसे ही इसके ऊपर अगर कोई भी धूल जम जाएगा ना, तो आपका फिंगरप्रिंट जो है ठीक से काम नहीं करेगा। तो आप इसको अच्छा से साफ कर सकते हो, ठीक है। साफ करने के बाद क्या होगा ना, उसके ऊपर अगर धूल मिट्टी कुछ भी डस्ट लगा होगा तो निकल जाएगा। निकल जाने के बाद आराम से उसको फिटिंग कर दो, क्योंकि आपको इधर से खोलने का जरूरत नहीं है। ये दोनों स्क्रू अगर आप खोल दोगे तो फिंगरप्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। निकल के आराम से साफ करके उसको फिक्स कर सकते हो। अगर कर देने के बाद आपका फिंगरप्रिंट ठीक से काम करना स्टार्ट हो गया, तब तो ठीक है। अगर उसके बाद भी अगर टोटली फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है या तो फिंगरप्रिंट ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आपको ये फिंगरप्रिंट जो है रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आपको फिंगरप्रिंट जो है रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोग का दोस्त लोग के पास या तो जिसके भी पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, वो उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके पास भी ये वाला इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे से मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।